आज की जो क्लास है, एक कोई इंसान म्यूट ऑन कर लो। सत्यम तुम ऑन कर लो अपना माइक, पता तो चलना चाहिए कि क्या क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे। सत्यम तुम अपना माइक ऑन कर लो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है ना। चलो, ये लड़का सत्यम BCA का है, इस साल ये सेकेंड ईयर में चला जाएगा। इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर कैसे हम लोग अपना रिज्यूमे कैसे बनाए। रिज्यूमे का क्या मतलब होता है? बायोडाटा। ठीक, बायोडाटा, रिज्यूमे और CV तीनों लगभग एक ही चीज होती है। ठीक, आपका बायोडाटा, आपका रिज्यूमे और आपकी CV, ये तीनों एक ही चीज होती है। CV का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वाइटे। ठीक, कैरिकुलम वाइटे जो होता है, हाँ, CV का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वाइटे। कैरिकुलम वाइटे का मतलब होता है ये ज्यादातर चीजें आपकी एकेडमिक से रिलेटेड होंगी। ठीक, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक, और बायोडाटा क्या होता है? बायोडाटा आपकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा वो होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसमें पर्सनल डिटेल्स ज्यादा रहती है बायोडाटा में। ठीक, और रिज्यूमे दोनों का मिक्स होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स भी होंगी और उसमें आपकी कैरिकुलम डिटेल्स भी होंगी। ठीक, तो CV, बायोडाटा और रिज्यूमे, ये तीन चीजें होती हैं। तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों में फर्क क्या है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं? अब हम इसको बनाते क्यों हैं? ठीक, नीट नीट थोड़ा आपका वीक क्या वीक है मेरा? है, आपका नेट वीक चल रहा है कि मेरा चल रहा है, मेरे को समझ नहीं है क्योंकि आपका आवाज बहुत कट रहा है। अच्छा, चलो धीरे, और धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक, आराम आराम से, कि अगर कटे भी तो ज्यादा तीख छूटेगा। सही ठीक, है, सही हो गया सही नेट। हो गया ना? CV, रिज्यूमे और बायोडाटा, यह तीन अलग चीजें हैं। CV का मतलब होता है कैरिकुलम वाइटे। इसमें क्या होता है? इससे आपसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा चीजें होती हैं। आप कैरिकुलम वाइटे का मतलब होता है इसमें आपकी एकेडमिक, इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा रिलेटेड चीजें होंगी। बायोडाटा क्या होता है? बायोडाटा में आपकी पर्सनल चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक, पर्सनल चीजों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। और तीसरी चीज होती है रिज्यूमे। रिज्यूमे का मतलब होता है दोनों का मिला जुला। ठीक, क्लियर हाँ है? हाँ, तो आज हम इसलिए हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो अभी फाइनल ईयर पास हुए हैं या किसी कहीं से भी किसी को भी नौकरी के लिए अब अप्लाई करना है, तो सबसे किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप उस कंपनी में अपना रिज्यूमे डालते हैं। CV या रिज्यूमे, बायोडाटा भी कह सकते हैं, पर बायोडाटा एग्जैक्टली आपकी बायोडाटा, उसमें पर्सनल चीजें ज्यादा होती हैं, हम इसको रिज्यूमे बोलेंगे। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है कहीं भी नौकरी में अप्लाई करने का? आप हर जगह पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे आप अपनी CV भेज दीजिए या अपना रिज्यूमे हमें भेज दीजिए, उसके आधार पर बताया जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि रिज्यूमे कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं कि उनसे कहा गया कि अपना बायोडाटा भेज दो या अपना रिज्यूमे भेज दो, तो आप किसी और अपने बड़े भाई बहन से, अपने सीनियर से उनका रिज्यूमे लेते हैं और क्या करते हैं, उसी में से उसकी डिटेल्स को बदल के अपना नाम पता डाल देते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। ठीक, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और करते भी हैं, और ज्यादा अगर आप किसी से पूछेंगे तो लोग भी आपको यही बताएंगे कि अरे ये ले लो, ये मेरा रिज्यूमे है, ये ले लो और इसी को आगे बढ़ा दो, अपना मेरा नाम बदल के अपना डाल दो और इसको आगे बढ़ा दो। ये बहुत गलत चीज है। ठीक, आप क्यों सत्यम अनम्यूट करो? सत्यम अपना म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट करो तो बताओ। बिल्कुल ठीक सत्यम, तुम ये बताओ कि मान लो कि तुम्हारे पेट में दर्द हो और तुम्हारे बगल में विकास बैठा है, विकास बोले कि मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था, मुझे डॉक्टर ने ये वाली दवाई ली थी, ये लो यही तुम भी खा लो, तो क्या जरूरी है कि तुम्हारे पेट का दर्द सही हो? नहीं, अलग विकास की बीमारी अलग है, तुम्हारी अलग बीमारी है। रीजन से हाँ, हो सकता दोनों की बीमारियां अलग अलग हैं, तो उसी तरह से है। दवाइयां भी अलग अलग होनी चाहिए। सेम इसी तरह रिज्यूमे भी अलग जगह पे अलग काम के लिए होता है। ठीक, मान लो विकास तुम्हारे पास, मान लो तुमको मिठाई बनाने आती है और कोई हलवाई की दुकान पे तुम जाते हो और हलवाई कहता है कि अपना बायोडाटा बताओ, अपना बायोडाटा हमें भेज दो। अब तुम उस बायोडाटा में लिखो कि मैंने BCA किया है, मुझे कंप्यूटर के इतने सॉफ्टवेयर आते हैं, ये आता है वो आता है, तो क्या हलवाई तुमको नौकरी देगा?
नहीं देगा, क्योंकि हलवाई को तो सिर्फ एक चीज जाननी है ना कि तुम्हें मिठाई कितने प्रकार की बनाने आती है, वो चीज तुमने अपने बायोडाटा में लिखा ही नहीं कि मुझे कितने प्रकार की मिठाइयां आती है। ठीक, ये बहुत जरूरी है कि पहले आप ये समझें कि आप बायोडाटा कहाँ भेज रहे हैं और वो आपसे चाहता क्या है। वो आपसे अगर बायोडाटा मांगा है तो उसने क्यों मांगा है, वो आपसे चाहता क्या है। ठीक, सब लोग जो भी टहल घूम रहे हैं बैठ जाएं और एक एक कॉपी पेन ले लें हाथ में। अगर सीखना चाहते हो तो जहां भी हो बैठ जाओ और अपने हाथ में कॉपी पेन ले लो। ठीक, सब लोग बैठ जाइए और अपने हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक, देखिए किसी भी रिज्यूमे में, किसी भी बायोडाटा में चार पार्ट होना चाहिए। ठीक, चार चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, एक किसी भी रिज्यूमे और बायोडाटा को बनाने के पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने रिज्यूमे में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक, कभी भी कोई भी बात ऐसी मत बोलिएगा जो आगे चल के झूठ निकले या गलत निकले। तो रिज्यूमे में कभी भी झूठ नहीं लिखना है। चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक, चीजों को आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, पर झूठ मत लिखना। जो चीज नहीं आती है, जो काम नहीं किए हो, उसको मत लिखना अपने बायोडाटा में। ठीक, तो यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि बायोडाटा में चार पार्ट होता है, चार हिस्सों में आपका बायोडाटा तैयार होगा। सबसे पहला हिस्सा होता है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। ठीक, लवकुश तुम्हारा बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, हमें म्यूट करना पड़ रहा है, उसको अपना म्यूट पे रखो। ठीक, अपना माइक ऑन मत करो, म्यूट पे रखो। ठीक, किसी भी सीवी में चार हिस्सा होता है, बायोडाटा चार हिस्सा होता है। ठीक, पहला हिस्सा होता है पर्सनल डिटेल। सब लोग सत्यम लिखो अपने कॉपी में, पर्सनल डिटेल पहला हिस्सा है। ठीक, पर्सनल डिटेल में क्या क्या होना चाहिए? पर्सनल डिटेल में सबसे जरूरी चीज है आपका नाम, सबसे पहले आपके फादर का नाम। नाम और फादर, मतलब नाम के साथ फादर का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं अपने रिज्यूमे के साथ, उसमें यही दो चीज बताती है कि यह डॉक्यूमेंट आप ही का है, नेम और फादर्स नेम। ठीक, तीसरी चीज होनी चाहिए आपका एड्रेस। चौथी चीज होनी चाहिए फोन नंबर। एड्रेस से भी ज्यादा जरूरी आपकी होती है फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये पांच चीज आपके पर्सनल डिटेल में होना बहुत जरूरी है, ये एसेंशियल है। ठीक, सबसे ऊपर ये पांच चीजें होनी चाहिए, नाम, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक, आपके ईमेल आईडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंपनी आपसे जब भी कुछ भी बात करना चाहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ईमेल आईडी के द्वारा ही बात करेगी। फोन तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप आपको ईमेल करेगी। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा बातें आपके ईमेल आईडी के द्वारा ही होगी। जिसके पास ईमेल आईडी है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है तुरंत बना लीजिए। ठीक, दूसरी चीज, ईमेल आईडी बहुत प्रोफेशनल रखिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है सत्यम चतुर्वेदी, तो ट्राई करिए कि सत्यम चतुर्वेदी डॉट, जो भी जैसे 1234 आपकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत फॉर्मल ईमेल आईडी हो। ऐसा ना हो कि अरे क्रेजी मारियो @gmail.com, ये सब ईमेल आईडी बहुत गलत इंप्रेशन डालती है कंपनीज में। ठीक, loverboy@gmail.com, ashik@gmail.com, नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ईमेल आईडी, आप क्योंकि उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी चाहिए, वही ईमेल आईडी बहुत सालों तक आपकी चलेगी। तो आप ट्राई करिए आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, जैसे satyamchaturvedi.bca@gmail.com। ठीक, satyamchaturvedi.1234911234@gmail.com, इस कॉम्बिनेशन से बनाइए कि आपका नाम आए उसमें और देखने में बहुत प्रोफेशनल लगे, ये ना लगे कि कोई पर्सनल ईमेल आईडी है। ठीक, तो ईमेल आईडी बना लीजिए और बनाइए तो बड़े प्रोफेशनल नाम से बनाइए। जैसे अजय कुमार यादव, तो आप ajayyadav1992@gmail.com या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 102105 bca@gmail.com, इस तरह से आप बनाइए
कि उसको देखने वाले को लगे कि बहुत जरूरी है। ठीक, पर्सनल डिटेल ये पांच हो गए, ये पांच तो एसेंशियल डिटेल है, उसके आगे जरूरत नहीं है जोड़ने की। आप जोड़ना चाहो जोड़ दो, पर जरूरत नहीं है। जैसे लोग, कुछ लोग रिलीजन जोड़ देते हैं, कास्ट जोड़ देते हैं कि भाई जनरल रिलीजन हिंदू रिलीजन मुस्लिम, ये सब आपको नहीं जोड़ना चाहिए। कंपनी से क्या लेना देना कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी क्या है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को ये पांच चीजें जाननी है आपके बारे में, वो पांच चीजें उसने जान ली। ठीक, दूसरा होता है क्वालिफिकेशनल डिटेल। ठीक, पहला आपका हो गया पर्सनल डिटेल, दूसरे पे आप आ जाइए क्वालिफिकेशनल डिटेल। क्वालिफिकेशनल डिटेल में आप क्या डालेंगे, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में डालेंगे। ठीक, क्वालिफिकेशनल डिटेल आपकी क्या क्या होती है सत्यम बताओ। क्वालिफिकेशन में हमारा जैसे हो जाएगा एक तरीके से पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई हाँ, क्या क्या है पढ़ाई लिखाई? लिखाई में आपने कौन सा कोर्स किया, आप कहाँ से पढ़े, आपने क्या कितना मतलब कितना अब तक पढ़े हैं, एग्जैक्टली मतलब आप तो इसमें क्या कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आप कैसे करते हैं, जो आपकी सबसे करंट डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए सत्यम बीसीए में है, रेखा बीएड में है, ठीक, कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, ठीक, तो जो आपकी सबसे करंट पढ़ाई होती है आप उसको सबसे ऊपर लिखते हैं। तो आप जैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखे आप बीसीए, हाँ, फिर उसके आगे आप लिखते हैं ईयर, तो बीसीए लिख दिया, फिर ईयर लिख दिया कि आपने ईयर किस ईयर में किया है, जैसे 2021 या 2022 में आपने बीसीए पास किया है, तो बीसीए 2022। जी फिर आप लिखते हैं यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, जैसे आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। फिर उसके आगे आप लिखते हैं कितने मार्क्स से पास किया। ठीक, तो आप सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे, ग्रेजुएशन की डिटेल के बाद अपनी 12th की डिटेल देंगे, जैसे क्लास 12th 2000, मान लीजिए आपने 18 में पास किया, 2018 यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कितना परसेंटेज, क्लास 10th कहाँ से पास किया कितना परसेंटेज। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, मान लीजिए आपने ट्रिपल सी किया है या ओ लेवल किया है या इस प्रकार से कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो आप इसी सीक्वेंस में लिखिएगा। जैसे आपने सबसे पहले अपनी करंट डिग्री लिख दी, जैसे बीएड लिख दिया, बीएड 2022 में पास किया है, ग्रेजुएशन बीए आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2020 में पास किया है, इसी के बीच में आपने ट्रिपल सी का कोर्स भी किया है, तो आप लिख दीजिए ट्रिपल सी आपने किस जगह से, जैसे नेलिट से किया है, ग्रेड कितना आया है क्या। ठीक, तो लाइन से सब कुछ कॉलम वाइज अलग अलग होना चाहिए, पैराग्राफ वाइज नहीं होगा। बीएड, फिर दूसरे सेक्शन में आपने लिखा 2022, फिर आगे लिखा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, फिर परसेंटेज। ठीक, बीए ईयर यूनिवर्सिटी परसेंटेज 12th, ईयर हाँ ईयर बोर्ड परसेंटेज 10th, ईयर बोर्ड परसेंटेज। ठीक, तो इस तरह से आपका एक पूरा कॉलम तैयार हो जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ठीक, अब दो चीज आपने कंप्लीट कर ली, एजुकेशनल पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक, दो सेक्शन ठीक पूरा हो गया, अब हम थर्ड सेक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड सेक्शन का मतलब है स्किल्स। अब ये दो चीज जो आपने ऊपर लिखी है, इस दो चीजों में आप कभी भी झूठ मत बोलिएगा, जो ऊपर आपने दो सेक्शन लिखा। ठीक, उस दो सेक्शन में कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कभी कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, ये चीजें एकदम सत्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको अपनी 10th की डिग्री, 12th की मार्कशीट, बीए या बीसीए की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट साथ में अटैच करके भेजना रहेगा। तो अगर आपके बायोडाटा में या रिज्यूमे में ये चीज गलत लिखी हुई है और पीछे मार्कशीट कुछ और कहती है, तो आपका बायोडाटा वहीं से कैंसिल हो जाता है, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते ही नहीं है। कोई भी इंटरव्यू कई राउंड में होता है, तो पहला राउंड क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिज्यूमे सॉर्टिंग। ठीक, रिज्यूमे सॉर्टिंग जो आपका पहला राउंड है, उसमें आपके रिज्यूमे में जो डिटेल लिखी हुई है और जो डिटेल आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो वहीं से आप पहले ही राउंड से आउट हो जाते हैं। ठीक, तो दो, फर्स्ट सेकेंड दो चीजें हो गई, थर्ड आ गया स्किल्स। सत्यम, अगर तुम बीसीए के हो तो तुम्हारी स्किल्स क्या क्या हैं? स्किल का मतलब हो गया मेरे कौशल। ठीक, तुम्हारे अंदर किस किस चीज की कुशलता है, स्किल्स क्या क्या है तुम्हारी? पहले तो सबसे पहले हमारा नेचर रहेगा, व्यवहार व्यक्तिगत, व्यवहार, ठीक मतलब है, हाँ सबसे पहला। उसके बाद हमारी एबिलिटी, हाँ
और उसके बाद मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब एबिलिटी में तो यही आ गया, हम उसमें क्या क्या कर अब सकते हैं। जैसे ही मैंने ये लेक्चर शुरू किया था, ठीक, तो मैंने पहली चीज विकास का एग्जांपल लेके यही बताया था कि रेखा देवी आप बीएड की हैं, ठीक, आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इन लोगों में, आपके हिसाब से आपके कौशल क्या क्या होना चाहिए? आप म्यूट करिए और अनम्यूट करिए और बताइए, अपने फोन को म्यूट से हटाइए और बताइए। अभिषेक वर्मा, आप भी बीएड के हैं, आप भी चाहें तो बता सकते हैं कि आपके अनुसार आपके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। आपको आवाज आ रही है रेखा? आवाज आ रही है? लो, दोनों लोगों से पूछा, दोनों गायब ही हो गए क्या? अभिषेक, आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले चीज बोली, अभिषेक, यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा तो आप बताइए, आप बीएड के हैं, अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो स्किल सेक्शन में आप क्या-क्या लिख सकते हैं? स्किल सेक्शन में कुछ हाँ, जैसे आपके अंदर क्या-क्या कौशल हैं, स्किल्स पूछा नहीं क्या-क्या है हैं? सर। हाँ मोटिवेट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, और और जैसे कि प्रेजेंटेशन, जैसे कि स्टूडेंट्स को मतलब कंसेप्ट फॉर्मेशन जो होता है, जैसे टीएलएम दिखा के ये सब चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जैसे थोड़ा बहुत सर बहुत अच्छे से मालूम नहीं। चलिए ठीक है, मैं इसीलिए तो आज आया हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देखिए, जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी कि जो भी आप, सबसे पहले ये समझिए कि आप रिज्यूमे भेज क्यों रहे हैं और किसे भेज रहे हैं। अगर आप हलवाई के काम के लिए रिज्यूमे भेज रहे हैं तो जो आपकी स्किल्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इतने प्रकार की मिठाइयाँ बनाने आती है, हाँ मैं इस तरह से इस तरह तक मिठाई बना सकता हूँ, मैं इतने घंटे तक मिठाई बना सकता हूँ, मैं इतने कम सामान में ये मिठाइयाँ बना सकता हूँ। ठीक, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो आपको काम देने के लिए खड़ी है, वो जो जानना चाहती है आप उसे वही बताएं। ठीक, जैसे मैं बीसीए पे आता हूँ तो बीसीए में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी आपसे कंप्यूटर की स्किल जानना चाहेगी कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है। ठीक, बीएड वाले हैं तो आपसे आपकी टीचिंग स्किल जानना चाहेगी कि टीचिंग में आपको क्या क्या आता है। बीए बीएससी है तो उनसे उनकी पर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल जिसको हम कहते हैं, ठीक, वो जानना चाहेगी, और प्लस अदर क्या कर सकते हैं। ठीक, तो मैं सबसे, एक चीज सब में कॉमन है, ठीक, कॉमन क्या है, आज आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें हर एक इंसान को कहता है कि आपको कंप्यूटर कितना आता है। तो आप स्टार्ट करिए, जो पर्सनल स्किल्स और स्किल्स का सेक्शन है उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कि मुझे कंप्यूटर आता है। ठीक, पहला पार्ट आप बताएंगे कि मुझे कंप्यूटर आता है, आई एम वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ, और अगर आपने CCC कोर्स किया हुआ है तो उसको भी मेंशन कर दीजिए कि सिंस आई हैव पास्ड माय CCC एग्जाम विथ दिस ग्रेडिंग, जो भी ग्रेडिंग है आपकी, ABCD, जो भी ग्रेडिंग है आप इसको मेंशन कर दीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर है वो आता है, और CCC आपने कोर्स किया हुआ है इस ग्रेड के साथ। पहला स्किल तो आपका यही हो गया कि कंप्यूटर आता है। दूसरा स्किल, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर में क्या आता है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम वेल वर्स्ड विथ MS वर्ड, MS ऑफिस, मतलब आप पूरा ऑफिस इंक्लूड कर सकते हैं, या MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, एंड हैज मेड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर मेनी ऑफ माई लेक्चर्स। जैसे बीएड वाले हैं तो लिख सकते हैं कि मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है अपने कई सारे लेक्चर से, या अगर बीसीए वाले हैं तो कह सकते हैं कि मैंने काफी सारी जगहों पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखा है। ठीक, दो स्किल यहाँ पे आपकी हो गई। पहली स्किल ये हो गई कि आपको कंप्यूटर आता है और आपने CCC का कोर्स किया हुआ है इस ग्रेडिंग के साथ। दूसरा स्किल ये हो गया कि मुझे MS ऑफिस आता है, ऑफिस में पर्टिकुलरली MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आता है। ठीक, CCC के ही दोनों पार्ट हैं, CCC का वो भी पार्ट है, CCC का ये भी पार्ट है, पर इसको आपकी दो स्किल तैयार हो गई आपके बायोडाटा में। तीसरा स्किल आप कहिए कि जो भी है चीजें, मतलब मैं अंडर, ठीक है चलिए, ये तो आपकी हो गई कंप्यूटर स्किल्स। अब हम आ जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे। ठीक, कंप्यूटर स्किल आपकी दो हो गई, जैसे बीसीए वाले कोर्सेज वाले जो हैं, बीसीए वाले जो बच्चे हैं
उनकी प्रोग्रामिंग की स्किल भी जुड़ जाएगी। ठीक, जो बीसीए के नहीं है वो अलग है, उनकी दो कंप्यूटर स्किल्स हो गई। बीसीए वाले बच्चों के लिए थर्ड कंप्यूटर स्किल हो जाएगी कि मुझे कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं, आई नो द कोडिंग लैंग्वेजेस वेरी वेल, नेमली सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसको भी ऐड कर दीजिए। ठीक, तो बीसीए वालों की तीन स्किल हो गई, अदर कोर्सेज की दो स्किल हो गई। तीसरा स्किल क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है तो आपसे पहली चीज बात ये जानना चाहती है कि आप बातचीत में कैसे हैं। तो आप कहिए कि आई एम वेल वर्स्ड, आई हैव अ गुड स्किल विथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आई नो टू लैंग्वेजेस, आई एम वेल वर्स्ड एंड आई एम ट्रेन्ड इन टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आपको दोनों आती है तो। इसके अलावा अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, कोई भी अगर आपको आती है तो वो लैंग्वेजेस को मेंशन करिए। इससे क्या होगा, कंपनी जानेगी कि आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है और आपकी इंटरपर्सनल स्किल इतने लेवल पे है, कम्युनिकेशन स्किल इतने उस पे है। ठीक, बीसीए वालों के लिए चार स्किल हो गई, अदर वालों के लिए तीन स्किल हो गई। चौथी स्किल होती है कि देखिए, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप नए हैं और पहली बार नौकरी की ज्वाइन करना जा रहे हैं, तो एक स्किल आपकी हो गई कि आई एम अ टीम प्लेयर, मैं दिए हुए कमांड्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता हूं, जो भी कमांड मुझे मेरे सीनियर द्वारा दिया जाएगा मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकता हूं, और मुझे ग्रुप में काम करने में मज़ा आता है, मैं ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल सकता हूं और मैं ग्रुप के साथ बहुत अच्छी तरीकों से काम कर सकता हूं। ठीक, इससे क्या होता है, आप शो होता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं, और अगर आप लीड, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी कई साल नौकरी कर चुके हैं, तो आपको कहना रहता है कि मैं ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं और उसके साथ मैं टीम को लीड भी कर सकता हूं, आई एम अ ग्रुप लीडर एज वेल एंड आई हैव लीडरशिप स्किल्स। और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप कोई एग्जाम्पल दें। ठीक, अगर आप टीम प्लेयर का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप अपना एग्जाम्पल दें कि मैं अपने कॉलेजेस में अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता था, मेरे सीनियर ऑर्गेनाइज करते थे और मैं उसमें वॉलेंटियर करता था, और मैं अब ऑलरेडी टीम्स के साथ अलग अलग इवेंट्स में काम कर चुका हूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप ग्रुप लीडर बनने की बात कर रहे हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल दें कि मैंने अपने कॉलेज में कई सारी रैलियों को, कई सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया है और अपने जूनियर्स के साथ मिलके टीम बना के उस पूरी टीम को लीड करने का काम किया है। ठीक, ये आपकी पांच स्किल्स हो गई, जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप क्वालिटी हो गई, मोटिवेशन हो गया, दो कंप्यूटर की स्किल हो गई। ठीक, पांच स्किल हो गई नॉन टेक्निकल, मतलब बीसीए के अलग कोर्सेज वालों के लिए, और छह स्किल हो गई बीसीए वालों के लिए। यहां तक हो गया, स्किल्स क्लियर है। स्किल में भी आप झूठ मत बोलिए। ठीक, मैं कभी रिज्यूमे में झूठ बोलने की बात नहीं करूंगा, पर चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट हुआ, वहां पे 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो आप ऐसे बताइए कि मैंने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, लगभग 60-70 बच्चे उस इवेंट में थे और मेरा उस इवेंट में यह हिस्सा था और मेरे अंदर 10 बच्चे थे उस समय, मेरे अंडर मैंने 10 लोगों की टीम बना के काम किया। ठीक, तो स्किल्स वाले सेक्शन में आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चीजें कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? स्किल्स वाले सेक्शन में आप चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकते हैं। जो भी आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उसके सर्टिफिकेट्स अपने रिज्यूमे के साथ लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। अगर मान लीजिए 2-3 कॉलेज मिलके कोई फेस्ट करता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था। अगर कहीं आप अलग यूनिवर्सिटी में खेलने जा रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। अगर आप वहां पे कोई प्राइज जीतते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप बोलिए कि मैं हजारों बच्चों के बीच में फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज जीता था। और अगर आप कुछ नहीं जीतते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द वेरी टफ कॉम्पिटिशन आई मिस्ड माई चांस विथ फ्यू स्टेप्स और फ्यू मार्क्स। ठीक, इस तरह से पेश करिए चीजों को कि अगर आप नहीं भी जीते, तो आप ये दिखाइए कि वहां पे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा था कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, पर मुझसे बेटर परफॉर्म करने वाले लोगों को होने की वजह से मैं अपना चांस कुछ ही स्टेप से मिस कर दिया। ठीक,
आप ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें झूठ मत बोलिए, पर अपने स्किल्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताइए। अगर आपको कंप्यूटर में एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज है तो आप ये कहिए कि मुझे बेसिक नॉलेज है पर मैं फ्री टाइम पे अपने फादर के साथ बहुत सारे लेटर्स टाइप किया करता था। अगर आपको एक्सेल बनाने की बेसिक नॉलेज है तो आप कहिए कि मुझे भले बेसिक नॉलेज है पर मैं अपने कॉलेज के लिए या इस कॉम्पिटिशन के लिए मैं अलग अलग हिसाब किताब अपने एक्सेल पे किया करता था। ठीक, इन चीजों को आप इंटरव्यू में भी और अपने रिज्यूमे में भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं। ठीक, ये तीन सेक्शन हर रिज्यूमे में होना ही चाहिए, पर्सनल, एजुकेशनल और स्किल। ठीक, जो चौथा सेक्शन है वो कंपल्सरी नहीं है पर अगर आप करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट ही डालेगा। जो चौथा सेक्शन है वो क्या है, चौथा सेक्शन है हॉबीज का। देखिए बहुत लोग उल्टी सीधी हॉबी लिखते हैं। देखिए अब आप अपने हॉबी में लिखेंगे कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो हॉबी क्रिकेट खेलने की हॉबी कंपनी की जान के क्या करेगी। अगर आप कंपनी से बताएंगे कि अरे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, वो हॉबी कंपनी जान के क्या करेगी, उससे आपकी नौकरी का क्या लेना देना। आप कहेंगे कि मुझे तारे देखना बहुत पसंद है, मुझे फ्री टाइम में भजन करना बहुत पसंद है, तो ये कंपनी को इस हॉबी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस हॉबी को और थोड़ा वास्ट करिए। ठीक, क्या है आपकी हॉबीज, आपको फ्री टाइम पे मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद है, इससे मैं खुद को मोटिवेटेड फील करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने जूनियर्स को भी और मोटिवेट कर सकूंगा फ्यूचर में। ठीक, मुझे अपने फ्री टाइम में स्पोर्ट्स पसंद है क्योंकि वो मुझे फिट रखता है और मेरी फिटनेस के साथ साथ मुझे डिसिप्लिन्ड बनाता है और टीम में काम करने की प्रेरणा देता है, मुझे मोटिवेट करता है टीम में काम करने के लिए। अगर आप हॉबी भी लिख रहे हैं ना तो ऐसी कंस्ट्रक्टिव हॉबी लिखिए कि आप कंपनी में जाएं तो कंपनी को लगे कि यार इसकी हॉबीज भी इतनी अच्छी हैं कि ये यहाँ आएगा तो हमें 2 रुपए का फायदा ही कराएगा, नुकसान नहीं करवाएगा। ठीक, अपनी हॉबीज इस तरह से लिखिए, आलतू फालतू हॉबी मत लिखिए कि मुझे, अगर आप ये लिख रहे हैं कि मुझे फूल पौधे लगाने का ही शौक है तो उसको भी आप अटैच करिए कि माई हॉबीज आर गार्डनिंग एंड दैट टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग विदाउट द एड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इन्फेक्टिसाइड्स। हाँ, आई चेक ऑन YouTube, इसको आप बताइए कि आई रेगुलरली चेक गार्डनिंग वीडियोज ऑन YouTube एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू फार्मिंग टेक्निक्स विच आई कैन एग्जीक्यूट लेटर ऑन माई ओन एक्सपीरियंसिस ऑन माई ओन फील्ड। ठीक, कि कल को मुझे खेती बाड़ी का भी शौक है तो मैं YouTube वीडियोज देखता हूँ और छोटे स्तर पर अभी गार्डनिंग करता हूँ, आगे फ्यूचर में चल के मैं चाहूंगा कि मैं अपनी धरती अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूं क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हुआ लड़का हूं, तो मैं आगे चल के खेती बाड़ी को और प्रमोट करना चाहता हूं। ऐसी टाइप की हॉबीज लिखिए जिसको आप आगे चल के जस्टिफाई कर सके। ये मत, अगर आपने बोल दिया मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, अगर वो एग्जामिनर जो भी आपका इंटरव्यूअर है अगर उसको क्रिकेट की नॉलेज होगी और वो आपसे क्रिकेट की हिस्ट्री पूछने लग गया कि बताइए इस सन में इस वर्ल्ड कप में इसने कितना रन बनाया था और मैन ऑफ द मैच कौन होगा, आप फंस जाएंगे। तो उसको इतना वास्ट रखिए कि पर्टिकुलर उस पर क्वेश्चन ना बन पाए। आप कहिए कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, वो कहे कि अच्छा कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आप कहिए सर मैं सारे ही स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स खेलने का मकसद स्पोर्ट्स में रुझान नहीं, मेरी फिटनेस से रुझान है, ये मुझे और फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, तो मैं जब भी मौका पाता हूँ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ और मैं इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये आपको समझ में आ गया कि आपको अपने रिज्यूमे में लिखना क्या क्या है। रिज्यूमे बनेगा कहाँ आपका, वो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स, ये दो सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे बहुत आसानी से आपका रिज्यूमे बन सकता है। रिज्यूमे बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक, जो चार पोर्शन मैंने बताया है ये चार पोर्शन कवर होने चाहिए। सबसे ऊपर आपको लिखना है पर्सनल डिटेल्स, उस पर्सनल डिटेल्स के नीचे नेम, इस साइड अपना नाम, फादर्स नेम, इस टाइम पिता का नाम, एड्रेस, इस टाइम पिता का मतलब पूरा एड्रेस, ये फोन नंबर, ईमेल आईडी। दूसरा कॉलम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो करंट क्वालिफिकेशन चल रही है जैसे बीए, बीएससी, बीसीए, फिर 12th, फिर 10th, फिर उसके नीचे स्किल्स, जो मैंने 5 से 6 स्किल्स बताई हैं उस स्किल्स को पॉइंट वाइज मेंशन करते जाइए। जैसे पहला स्किल हो गया कंप्यूटर डैश, उसके आगे एक पैराग्राफ लिखिए कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है। फिर अगला ऑफिस एक्सरसाइजेस या एमएस ऑफिस, फिर उसके बारे में बताइए कि ऑफिस में क्या क्या आता है।
हाँ, उसके बाद आप लिखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताइए, फिर लिखिए लीडरशिप क्वालिटीज, उसमें बताइए, फिर मोटिवेशनल स्किल्स उसके बारे में बताइए, ठीक। फिर उसके बाद आ जाइए हॉबीज, स्पोर्ट्स उसके बारे में बताइए कि क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसके नीचे जैसे मैंने हॉबीज बताई, जो भी आपकी हॉबीज हो उसको ऐसा बताइए कि वो क्रिएटिव लगे, वो ऐसा लगे कि आप उससे जुड़ना चाहते हैं, ठीक। और सबसे नीचे आपका साइन और सिग्नेचर होगा, ठीक, आपका सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, और उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर करेंगे A4 साइज में प्रिंट करके, अच्छा सा उसको अलाइनमेंट बैठा के देंगे। देखिए ये जूम मीटिंग जो होती है वो सिर्फ 40 मिनट की होती है, ठीक। तो अब ये 40 मिनट पूरे हो चुके हैं, 1 मिनट से भी कम बचा है, तो किसी भी वक्त ये मीटिंग खत्म हो सकती है। आप लोग इसको जाइए और MS वर्ड और गूगल डॉक्स पे ट्राई करिए, बनाइए, आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या चीज़ें बदलाव हो सकती हैं, और हम ऐसी ही क्लासेस और लेते रहेंगे आगे, और मैं ट्राई करूंगा कि और बच्चे उसमें जुड़ें आगे। आज फिर भी 15-20 लोग जुड़े हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि और लोग जुड़ें। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्लास समझ लीजिएगा खत्म है। आगे आप लोग इसको बनाइए, अपने से प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछते जाइएगा, मैं उसमें आपको पूरी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक। सत्या।